और उसके बाद शाम का नुमा शाम का टाइम 6:30 से 7:30, ये भी योग का बहुत महत्व का टाइम होता है। अगर उस समय घर में फ्री है सेंटर पर आओ, मुझे लगता है अमृत विलेज से भी अच्छा टाइम है शाम का नुमा शाम का टाइम। उस समय ना नींद आती है, पंछी अपने घरों में जाते हैं, खेती वाले अपने घर में आते हैं, ऑफिस वाले अपने घरों में आते हैं, एक बहुत अच्छा वायुमंडल होता है और मधुवन के नियमों अनुसार वो योग का टाइम है। अगर घर में फ्री है सेंटर पर आओ, अगर सेंटर पर नहीं आ सकते घर में बैठ करके आधा घंटा योग करो, लेकिन योग जरूर करना है। लेकिन योग लगाने के लिए कुछ धारणाएं जरूरी होती है, वो योग की धारणाएं क्या है उसके पर थोड़ी चर्चा करते हैं। योग के लिए सबसे महत्व की धारणा है, पहली धारणा है, अगर यथार्थ योग करना है अपने आप को आत्मा समझना जरूरी है। योग उनका लगता है जो आत्मा का अभ्यास करते हैं, जो आत्मा के स्वरूप में नहीं रहते हैं वो योगी नहीं बन सकते। मुझे लगता है आज की भी मुरली भी थी, यथार्थ योग करने की विधि क्या है, प्रश्न पूछा था बाबा ने, अपने आप को बिंदी समझना और बिंदी निराकार बाप को याद करना, यह योग की विधि। इसलिए जब तक आत्मा अभिमानी नहीं बनेंगे योग नहीं लगा सकेंगे।